अस्सलामुअलैकुम। तो ये कंटिन्यूड पार्ट है प्रीवियस व्लॉग का, और जैसा कि हमने आपको बताया था कि मामू लोग कश्मीर गए थे, वो लोग वापस आ गए हैं, तो उनसे हम लोग जा रहे हैं मिलने। तो ये वीडियो आगे बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, फुल वॉच करिएगा, और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। और हाँ, हमारी वीडियो को इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। और हम लोग मामू के यहाँ पहुँच गए हैं, और यहाँ पर मानी हम लोग को दिखा रही हैं ग्रीन एप्पल्स और रॉ वॉलनट्स जो वो लोग कश्मीर से लाए हैं। तो बेसिकली जो ये ग्रीन एप्पल्स हैं और रॉ वॉलनट्स हैं, ये लोग कश्मीर के पेड़ से तोड़ के लाए हैं। तो जब ये अच्छे से पक जाएगा तो एप्पल एप्पल की तरह हो जाएगा और वॉलनट वॉलनट की तरह। तो ये जितने भी फ्रूट्स हैं इन्हें ड्राई किया गया है, ये उनके मिक्सचर है, जैसे कीवी, एप्रिकॉट्स, चेरी, प्लम और बेरीज। तो ये जितने भी फ्रूट्स हैं सब प्योर ऑर्गेनिक हैं, और इन सब का टेस्ट भी बहुत मज़े का है। और आलिया, अबान और आरिफ का तो हाथ ही नहीं रुक रहा है, और जितने बड़े लोग हैं सब बातों में बिजी हैं, और मामी और मामू दोनों सब डिटेल्स इन सब चीज़ों की बता रहे हैं और अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। नियर अबाउट 8 to 10 years हम सब लोग कश्मीर गए थे साथ में, पूरे मामू की फैमिली और मेरी फैमिली, साथ ही साथ जो मेरी मम्मी हैं उनके मामू की फैमिली, और तब हमारे साथ नाना भी थे, और हम लोग ने भी बहुत इन्जॉय किया था। पर छोटे थे ना हम लोग, तो उस समय कुछ समझ तो आता नहीं है। तो उस टाइम की पूरी वीडियोस, फोटोग्राफ्स सब कुछ अवेलेबल है हमारे पास, तो इंशाल्लाह आपके साथ कोई ब्लॉग में उसको शेयर करेंगे ज़रूर। तो जैसा कि अब आप देख रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स का मिक्सचर है जिसमें वॉलनट्स, रेजन्स, आलमंड्स ये सब हैं। तो अब आ गया साथ ही साथ एप्पल चटनी, एप्पल सॉस एंड वॉलनट जैम। और जो ये सब इतने पैक्ड हैं, ये सब हमारे लिए गिफ्ट्स हैं। ये एप्पल की चटनी है, आइए इसको खोल के देखते हैं। वैसे बहुत टेस्टी है। वैसे ये है यम्मी एप्पल सॉस। अच्छा, ये खोला नहीं है। दूसरी बार, तीसरा डब्बा कहाँ है? वॉलनट वाला। वैसे ये बहुत टेस्टी है। एप्पल सॉस वो है, उसकी लहसुन की कच्चे लहसुन की। हाँ, ये भी एकदम टेस्टी है, ये किसी की तरह इसका फ्लेवर मिल रहा है। ये जो ये एप्पल सॉस है ना, ये थोड़ा सा तीखा टाइप का है, और ये इसका फ्लेवर ना अनारदाना की तरह मिल रहा है। तो ये है वॉलनट एप्पल जैम। मजा नहीं आया इसका। अरे इसको निकालिए, अभी ये पूरा उसकी तरह इसको निकालिए। तो ये देखिए, अभी मामी यहाँ वॉलनट कट करके दिखा रही हैं, बट ये अभी रॉ है, ये अभी कच्चा है ना, इसी के अंदर ही बनेगा। लेकिन कड़वा है इस टाइम, बिल्कुल। और ये रहे हमारे लिए एक और गिफ्ट्स, कश्मीरी स्टोल और शॉल। इसके बाद हम लोग ने किया मजेदार सा डिनर, और फिर मानी ने बहुत ही डिलीशियस डेजर्ट बनाया था। इंशाल्लाह जब मानी वो डेजर्ट बनाती रहेंगी तो हम वो जरूर शूट करके उसकी रेसिपी आपको देंगे। और बहुत ही इंस्टेंट रेसिपी है, क्विक बनता है। अगर आपको कुछ भी स्वीट डिश में बनाना हो, कुछ समझ ना आ रहा हो, तो इसको जरूर ट्राई करिएगा, आपके गेस्ट खुश हो जाएंगे। तो मामू लोग कश्मीर गए थे, उन लोगों ने जो वीडियो शूट करी है उसकी कुछ क्लिप्स हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। उसको हम लोग दो पार्ट्स में आपके साथ शेयर करेंगे, तो अभी ये फर्स्ट पार्ट है। अगर आप लोग कश्मीर गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं गए हैं तो इस वीडियो को देख के आपको द ग्रेट पोएट अमीर खुसरू की ये लाइन जरूर याद आ रही होगी, जो उन्होंने कश्मीर के लिए बोला है, गर फिरदौस बर्रुए जमीनस्त हमीस्तो हमीनस्तो हमीनस। यहाँ पर फिरदौस वर्ड जन्नत यानी हेवन के लिए यूज हुआ है, तो इसकी प्रॉपर मीनिंग है, इफ देयर इज अ हेवन ऑन अर्थ, इट्स हेयर, इट्स हेयर, इट्स हेयर।
यानी अगर अर्थ पे कहीं जन्नत है तो वो यही है। तो मामू लोग गए थे कश्मीर और वहां से लौटे थे, इसलिए हम लोग गए थे उनसे थोड़ा सा मिलने। और मामू लोग ने हमारे लिए गिफ्ट लाया था, हम लोग ने अपने गिफ्ट्स ले लिए हैं और आपको दिखा भी दिए थे। और मिलने से ज्यादा गिफ्ट लेने का एक्साइटमेंट था। और ये गाने के वॉल्यूम को कम कर दे हम। और आपसे बातें बातें करते हम लोग पहुंच चुके हैं सिविल लाइन सुभाष चौराहे के पास। तो हम लोग आ चुके हैं बहुत ही पास अपने घर के। और तो गर्मी आजकल तो बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर सिविल लाइन्स में तो हर जगह स्ट्रीट्स पे सो रहे हैं लोग। पता नहीं कैसे सोते होंगे यहाँ पर इतनी गर्मी में, बहुत ज़्यादा इस वक्त गर्मी थी। ये सेकेंड टाइम हम लोग फिर अब आ चुके हैं और मैंने सेकेंड टाइम फिर ट्राई किया इसको, तो बड़ा मज़ा आ रहा है। गर्मी बहुत ज़्यादा है लेकिन अभी टेम्परेचर 35 था, बाद में बताया अभी टेम्परेचर 35 है, तो बड़ा मज़ा आता है इसमें। सेकेंड टाइम ट्राई किया, टाइम तो जब कार नहीं आई थी तभी ट्राई किया था और अब इस बार सेकेंड टाइम किया। अब तो बड़े मामू कैसे आ रहे हैं, अब ट्राई कर रहे हैं।
अभी हम लोग आ चुके हैं अपने घर। आई होप यू ऑल एंजॉयड द वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।